हेलो नमस्कार आदाब सत और औरकुम मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी आज मैं आपको मीडिया स्टार वर्ल्ड की पहली सालगिरह की पूर्व संध्या पर एक स्पेशल कार्यक्रम लेकर आया हूं आज एक अक्टूबर 2019 यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन की पूर्व संध्या है एक साल पहले दो अक्टूबर 2018 को हमने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी एक साल पूरा होने के साथ ही हमारे दो एपिसोड हो चुके हैं और दो दिन पहले ही एक लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया है 2 अक्टूबर 2018 से 14 जुलाई 2019 तक मैंने तनहा मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड करके एक एपिसोड आप तक पहुंचाए थे अब मेरे साथ एडिट करने और कैमरा ऑपरेट करने के लिए एक नौजवान अजीम खान मेरी मदद करते हैं जिसकी वजह से आपको हमारी शो प्रोफेशनल नज़र आती है हमारे सब्सक्राइबर्स में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं यानी 25 से 34 साल के बीच की उम्र के तकरीबन 30 फीसद लोग शामिल हैं हमारे प्रोग्राम देखने वालों में 80 फ़ीसद भारत में हैं जबकि दूसरे नंबर पर तकरीबन 8 फ़ीसद सऊदी अरब में हमारी खबरें देखने वाले मौजूद हैं वहाँ का मीडिया काफ़ी हद तक हुकूमत के कंट्रोल में है शायद वहाँ भारत और पाकिस्तान के लोग दुनिया की खबरें हासिल करने के लिए दूसरे चैनलों के साथ साथ मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल देखते हैं उसके अलावा हमारी खबरें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, पाकिस्तान अमेरिका, कतर ब्रिटेन नेपाल ओमान कनाडा बहरीन बांग्लादेश मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह कुल मिलाकर 50 मुल्कों में देखी जाती है यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी इंटरनेशनल अफ़ेयर्स में इतनी दिलचस्पी और तजर्बा क्यों है मैंने अपना जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का सफ़र उन्नीस में शुरू किया था और तकरीबन 1990 तक ईरान की समाचार एजेंसी इरना और आई के दिल्ली ब्यूरो में रिपोर्टर के तौर पर काम किया था उसी ज़माने से मैं मिडिल ईस्ट के हालात को नज़दीक से देख रहा हूँ और वहाँ अमरीका और इसराइल कितनी तबाही कर चुके हैं वो सब मेरी आंखों के सामने है मेरी पत्रकारिता के सफर के शुरू में इराक़ ईरान जंग जारी थी चूंकि ईरान अमरीका के चंगुल से आज़ाद हो चुका था और वहाँ के नेता अमेरिका को बड़ा शैतान कहते थे तो उसी वक्त से मुझे दुनिया को अलग अंदाज में समझने और देखने का मौका मिला जिसमें लॉजिक भी थी मनत भी थी 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खबरों के माहिर सईद नकवी की प्रोफेशनल निगरानी में दूरदर्शन के लिए वर्ल्ड व्यू इंडिया कार्यक्रम के लिए रिपोर्टिंग का मौका मिला जिसके लिए मैंने जंग के मैदान से यानी इराक़ से हर उस शहर से रिपोर्टिंग की जहां अमरीकी फौजी पहुंचा करते थे इस दौरान ईरान और कुवैत से भी रिपोर्टिंग की उस वक्त मैंने अमरीका की इराक में तबाही और उसके पीछे बड़े से बड़ा बिजनेस हासिल करने की कोशिश अपनी आंखों से देखी है 2003 इराक पर अमरीका के हमले के वक्त भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उन्हें सईद नकवी ये समझाने में कामयाब हो गए कि 2001 की अफग़ानिस्तान जंग हमने सीएनएन और बीबीसी की आंखों से देखकर गलती की है हमें इराक़ जंग अपनी यानी हिंदुस्तानी आंखों और अपने हितों के हिसाब से देखनी चाहिए दो जंग के दौरान दूरदर्शन पर वर्ल्ड व्यू इंडिया की कवरेज ऐसी थी कि दुनिया का मीडिया हमारी खबरें इस्तेमाल करने लगा था लेकिन कुछ ही महीने में विदेशी दवाओं में आकर दूरदर्शन ने उस प्रोग्राम को कमीशन कैटेगरी से निकालकर कर स्पॉन्सर कैटेगरी में डाल दिया जिसके नतीजे में उसे आखिरकार बंद करना पड़ा उस वक्त दूरदर्शन के इतिहास में वर्ल्ड व्यू इंडिया की टीआरपी देश भर के सभी चैनलों की कुल टी से कहीं ज़्यादा थी चूँकि उस प्रोग्राम में सच्चाई दिखाई और बताई जा रही थी नौकरी छोड़ने के बाद मैंने मई 1993 से मार्च 2012 तक मीडिया स्टार फीचर एजेंसी चलाई जो देश भर में उर्दू और हिंदी अखबार को हफ़्ते में चार आर्टिकल तैयार करके मुहैया कराती थी उर्दू जर्नलिज़्म में ये मुल्क की बल्कि दुनिया भर में पहली ऐसी फीचर एजेंसी थी जो किताबत कराकर कॉलम साइज में आर्टिकल तैयार हालत में अखबार को देती थी जिसे अखबार के एडिटर बा आसानी कैंची से काट कर अपने कॉलम में पेस्ट करके छाप लेते थे आज की नई नस्ल को ये बताना भी ज़रूरी है कि किताबत क्या होती है ये ऐसी आर्ट है कि इसका आर्टिस्ट खास किस्म के कागज जिसे मिस्तर कहा जाता है उस पर एक खास कलम से लिखता है कंप्यूटर आने से पहले वही लोग उर्दू के अखबार और किताबें लिखा करते थे अब तो इस कला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं उस जमाने में कंप्यूटर बहुत कम और बहुत महंगे होते थे और कंप्यूटर पर उर्दू टाइपिंग भारत में आम नहीं हुई थी ये एजेंसी बहुत ही कम मुद्दत में न सिर्फ मुल्क में बल्कि दूसरे ममालिक में भी बहुत पॉपुलर हो गई उन्नीस सौ तिरानवे में जब मीडिया स्टार फीचर एजेंसी शुरू की थी ये वही वक्त था जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाए हुए कुछ ही महीने गुजरे थे हालांकि इससे पहले अंग्रेज़ी जबान में मैं जर्नलिज़्म करता था लेकिन उस वक्त मैंने समझा कि मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि उर्दू और हिंदी अखबार में अच्छे और सब धर्मों को जोड़ने वाले आर्टिस्ट मुल्क भर में छपने चाहिए उस मिशन में हमारी कोशिशें काफ़ी हद तक कामयाब रहीं 2012 में कुछ मुश्किल की बिना पर यह सफ़र रुक सा गया था उसके बाद इस दरमियान मैं कुछ बरस एक टेलीविजन चैनल के खबरों के एक पोर्टल यानी वेबसाइट के लिए, लिए लिखने का सिलसिला जारी रखा मई 1993 से मार्च 2012 तक मीडिया स्टार फीचर एजेंसी के साथ साथ मैंने दूरदर्शन के लिए उर्दू खबरें भी पढ़ी हैं उन्नीस में अमेरिका सरकार के इनविटेशन पर वहां जाना हुआ और 2003 इराक़ जंग के बाद यूरोप समेत काफ़ी विदेश यात्राएं हुईं इस तरह बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मैंने अपने जतीी कस्म के और जर्नलिज़म के लिए पाकिस्तान से लेकर तुर्की और यूरोप तक के दौरे किए हैं और अफ्रीका में लीबिया भी जाना हुआ है अब ये सवाल पैदा होता है कि मैंने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया इसकी दो बड़ी वजह थी एक तो ये कि सच्ची और अच्छी जर्नलिज्म के मौके ख़त्म हो रहे हैं इसीलिए छोटा ही सही अपना प्लेटफॉर्म हो ताकि सच बोलने की गुंजाइश इस्तेमाल की जा सके इसी बात को दूसरी तरह ये भी कहा जा सकता है कि मुझ जैसे पत्रकारों की बड़े मीडिया हाउसेज में अब कोई ज़रूरत नहीं रही है अब आमतौर पर गोदी मीडिया लोगों की आंखें खोलने के लिए नहीं बल्कि आंखें बंद करने के लिए काम कर रहा है मुल्की सतह पर जर्नलिज्म का जो बुरा हाल अब है इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली जर्नलिज्म पर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट का लंबे वक्त से कब्जा है जो अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है जब उन्नीस में भारत आज़ाद हुआ उसके बाद मई 1948 में फिलिस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल का क़्याम अमल में आया और उसके बाद मिडिल ईस्ट में जिस तरह से मौत का चक्रव्यू चला और खित्ते की हुकूमतों पर गैर मुल्की ताक़तों का कब्ज़ा हुआ उससे इस पूरे इलाके के हालात बिगड़ते ही चले गए अब हाल ये है कि इस पर बात करना भी गुनाह हो गया है जबकि ये सिर्फ सत्तर साल पुराना इतिहास है उसी साजिशी चक्रव्यूह के तहत ईरान पर बिठाए गए पिट्ठू शाह को ईरान की इस्लामी क्रांति यानी इस्लामिक रिवोल्यूशन ने 1979 में उखाड़ फेंका था उसके बाद अमेरिका और इजराइल के पूरे इलाके में पैर उखड़ रहे हैं जो हालिया बरसों में आप देख रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार टू के बाद उन्नीस और उन्नीस की घटनाओं के साथ ही अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी ताकतों के तौर पर सामने आई और दुनिया के मुल्क इन दो ब्लॉक्स में तकसीम हो गए उन्नीस के बाद भारत सोवियत संघ और पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में चला गया इसके साथ ही अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने सियासी एजेंडे पर काम करने के लिए दुनिया भर के मीडिया को मुतासर करने का ख़तरनाक प्लान बनाया जिस पर वो अब तक काम कर रहे हैं पिछले कुछ दहाइयों से तो ये हो रहा है कि अमेरिका अपने दोस्त मुल्कों में इंटरनेशनल मीडिया को पनपने ही नहीं दे रहा और उन हुकूमतों से कहा जाता है कि दुनिया भर की खबरें आप हमारे न्यूज़ नेटवर्क से लें यानी दुनिया को जिस तरह हम दिखाना चाहते हैं आप भी उसी तरह से देखें यानी जो हमारा दोस्त वो आपका भी दोस्त और जो हमारा दुश्मन वो आपका भी दुश्मन होना चाहिए इस तरह से इन मुल्कों की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी पर भी कब्जा कर लिया गया यानी मुल्कों की हुकूमतों और मीडिया दोनों पर हुकूमत करने में पश्चिमी मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया है इसी के साथ ये विदेशी ताकतें अपने दोस्त मुल्कों की सरकारों और जनता का एक ख़ास नज़रिया बनाने में कामयाब होने लगे यही सब हम भारत में भी देख रहे हैं इंटरनेशनल अफ़ेयर्स को समझने के लिए मैं समझता हूं कि जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति समझ ली वो बहुत कुछ दुनिया की हकीकत समझ सकता है मैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने उन्नीस से उन्नीस के दरमियान दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी एनर्स ज्योग्राफी से की है उसमें एक सब्जेक्ट सीस्मोलॉजी होता है जिसमें भूकंप यानी जलजले वग़ैरह से मुतक़ साइंस पढ़ाई जाती है उसके बाद ये समझना आसान हो जाता है कि अगर ये मालूम हो कि जलजले यानी अर्थ क्वेक का मरक़ यानी एपिसेंटर कहाँ है तो ये जानना आसान हो जाता है कि हम जहाँ हैं यहाँ पर इसका क्या असर होगा बिल्कुल इसी तरह मिडिल ईस्ट की घटनाओं को समझना ज़रूरी है ये हमारे काफ़ी नज़दीक भी है इस इलाके के देशों में बहुत बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं और यहाँ से हमें देश का इंजन चलाते रहने के लिए तेल और गैस मिलता है अब अगर हम संकट में आ रहे हैं तो उसकी एक ही वजह है कि हमने इस पूरे इलाके को अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की आंखों से देखने की गलती की है सईद नकवी जिन्हें हम पत्रकारिता का बहुत बड़ा स्तंभ और पिलर मानते हैं वे हमारे बचपन में हर संडे को दूरदर्शन के वर्ल्ड रिपोर्ट प्रोग्राम में किसी ना किसी नए मुल्क में नज़र आते थे पत्रकार के तौर पर वे हमारे लिए एक आइडियल हैं उन्होंने 110 से ज़्यादा मुल्कों से रिपोर्टिंग की है उनका कहना है कि भारत एक बड़ा मुल्क है जो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बहुत अहम है हमें दुनिया को अपनी आँखों से देखना चाहिए ताकि हम अपने फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए दुनिया को समझ सकें ऐसा ना हो कि विदेशी ताकतें हमें अपने मीडिया के ज़रिए बेवकूफ़ बनाकर हमें लूट कर चली जाएं और हमें पता भी ना चले यानी हम दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन समझते रहें मेरा समझना है कि फ़ैसलों में गलती तभी होती है जब हम अपने दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त समझते हैं आज के महंगाई के दौर में ये तो बहुत मुश्किल है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर अपने लोगों और देश को दुनिया की हकीकत से आगाह किया जा सके इसलिए मैंने अपने तौर पर तय किया कि शुरुआत में हम दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में मीडिया पर नज़र रखें और उसमें भी सच्चाई छाँट कर अपने दर्शकों और वीअर्स तक पहुँचाएँ ताकि जितना मुमकिन हो हकीकत को बयान किया जा सके पिछले तकरीबन तीस सालों में अमेरिका और इसराइल के नज़रिए से अलग हटकर कुछ मुल्कों का मीडिया अपने तरीके से खबरें दे रहा है जिससे झूठी कैंपेन करने वालों को परेशानी का सामना है मैंने जब 1990 से मिडिल ईस्ट में जाना शुरू किया तो शुरुआती सालों में देखा कि उन मुल्कों के अखबार विदेशी समाचार एजेंसियों की खबरों को ही छापते थे चाहे वे खबरें उनके ही मुल्क से हों मिसाल के तौर पर तेहरान और बगदाद के अखबार में अपने ही मुल्कों की खबरें वेस्टर्न मीडिया जैसे बी बी सी रॉयटर्स और एफ पी की छपा करती थीं दो हज़ार दो में जब सद्दाम हुसैन हुकूमत का आखिरी साल था उस बरस मैं वहाँ दो बार गया था बगदाद में सद्दाम हुसैन के महल के नज़दीक जिसे अब ग्रीन जोन कहा जाता है और जहाँ अब अमरीका और ब्रिटेन वगैरह की एम्बेसियाँ मौजूद हैं उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करती थी जहां सरकारी इराकी न्यूज एजेंसी टेलीविजन और अखबार के दफ्तर थे उस वक्त अमेरिका के साथ तनाव शुरू हो चुका था एक बार मैंने देखा कि के, वहां के मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी बिल्डिंग में हुई उसी बिल्डिंग में इराकी मीडिया के अलावा विदेशी न्यूज एजेंसियों के दफ्तर भी मौजूद थे अगले दिन देखा कि इराकी अखबारों ने रॉयटर्स की खबर अपने यहाँ छापी थी यानी वो ख़बर जिसमें उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अमेरिका से टकराव के बारे में बोल रहा था वो खबर भी खुद इराकी मीडिया में वेस्टर्न मीडिया की लिखी हुई छपी थी ये सब कहने का मेरा मकसद ये है कि इन मुल्कों में मीडिया डेवलप ही नहीं होने दिया गया जिन मुल्कों से अमेरिका के अच्छे ताल्लुक रहे थे हमारे देश में तो बहुत ही डेवलप अच्छा मीडिया रह चुका है लेकिन यहाँ भी अब जो हाल मीडिया का हो रहा है वो सब आप जानते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करने के मामले में हमारा भारत का मीडिया भी अब उसी वेस्टर्न मीडिया को ही कॉपी कर रहा है हद तो यह है कि हमारा रेगुलर रिपोर्टर काठमांडू तक में भी मौजूद नहीं है कुछ उन मुल्कों में बहुत ही कम हमारे रिपोर्टर हैं या वहाँ जाते हैं जहाँ भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विदेश यात्राओं पर जाते हैं इन हालात में मैंने अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ये फ़ैसला लिया कि मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर ऐसी इंटरनेशनल ख़बरें खास तौर पर पेश की जाएं जिनसे भारत का कोई ना कोई सरोकार हो हमारे प्रोग्राम नज़र दुनिया पर की टैग लाइन इसी है कि हम वो खबर देते हैं जो आपको दूसरे मीडिया से नहीं मिलती और वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें जिनका ताल्लुक़ किसी ना किसी तरह से भारत से है वो देने की कोशिश करते हैं शुरू में हमने एक ही कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम नज़र दुनिया पर रखा ताकि आम आदमी समझ सके के प्रोग्राम में क्या पेश किया जा रहा है बाद में हाल ही में हमने इंटरव्यू का प्रोग्राम आपके रूबरू और देश के अंदर की खबरों वाला प्रोग्राम देश का आईना शुरू किया है अभी हमें इन सभी कैटेगरीज़ में बहुत कुछ करना बाकी है इसके अलावा मेरा इरादा है कि कुछ वो खबरें जो आम तौर पर मीडिया में नज़र नहीं आती उनको भी कवर किया जाए अगर आगे मुमकिन हुआ तो ये भी करने की कोशिश की जाएगी आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब किसी इंसान या किसी समाज को मुसलसल झूठी खबरें दी जाती हों तो नज़रियात उन झूठी खबरों के मुताबिक बन जाते हैं इस बीच में अगर अच्छी ख़बरें मिलना शुरू हो जाएं तो बहुत से मामलों में इंसान को गुस्सा भी आता है और उसकी मुखालफत भी करने लगता है ये वही बात होती है कि अगर आप दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त समझने लगते हैं तो फैसले गलत करते हैं इसीलिए आप में से कुछ दर्शक जिनकी तादाद बहुत कम है मेरी रिपोर्ट्स पर एतराज़ करते हैं और अच्छे बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं मैं उनका बुरा नहीं मानता हूं बल्कि हकीक़त से ला इल्मी की वजह से कुछ लोग एतराज करते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि अब तक बहुत से लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे मेरी कोशिश होती है कि हर खबर की सोर्स बता दूं और जो एनालिसिस करूं वो भी लॉजिकल बुनियाद पर हो आपके मीडिया स्टार वर्ल्ड के बारे में और भी बहुत से सवाल होंगे उसके लिए अगर आप मुझसे बरह रास्त सवाल करना चाहते हैं तो कल 2 अक्टूबर 2019 शाम सात बजे YouTube पर मैं लाइव आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर रहूंगा यह कार्यक्रम एक घंटे का रखा गया है इस कार्यक्रम में मेरे साथ आपके सवाल मुझ तक पहुंचाने में मदद करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनीस अहमद खान इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद शुक्रिया जय भारत जय हिंद